नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल PST क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बारे में बात करने वाले, जो बिहार में इनके 10,101 पोस्ट पर बहाली निकल के आई थी, जिसका एग्जाम 4 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच कंडक्ट करवाया गया था ऑनलाइन, जिसमें 4 अगस्त के एग्जाम को रद्द कर दिया गया था। 4 सेंटर पर सर्वर डाउन होने के कारण काम नहीं किया था सर्वर, इसीलिए रद्द कर दिया था दोनों शिफ्ट का। उसका रीशेड्यूल फिर से 27 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक दोबारा कंडक्ट करवाया गया है। सफलतापूर्वक सभी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। ऐसे में सभी स्टूडेंट सवाल है, पहला जो है सर आंसर की विभाग कब जारी कर रहा है, दूसरा सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों सारे प्रश्न का आंसर देने वाले हैं, और कल जो हम कटअप बताए थे सभी अलग अलग पोस्ट वाइज, तो आप लोग को बहुत सारा कॉमेंट उसमें आ रहा था, सर इतना कटअप कैसे जाएगा कानून को ASO और लिपिक का। तो दोस्तों सारे प्रश्न का आंसर इस वीडियो में देने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सारी जानकारी वन बाय वन करके इस वीडियो में बता रहे हैं, अब वीडियो में बने रहिए। दोस्तों देख लीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, यह 24 अगस्त को नोटिस विभाग की तरफ से आया था। इसको अगर ध्यान से पढ़िएगा तो इसमें आपको पता चल जाएगा जो आपका आंसर की कब आने वाली है। और स्पष्ट रूप से लिखा गया था, जिस समय नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था उस समय भी बताया गया था, अगर एक से अधिक शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, इसलिए आप लोग को परेशान नहीं होना है, नॉर्मलाइजेशन होगा। दूसरी बात है, सभी स्टूडेंट जो बोल रहे थे जो सर 16 अगस्त का जो पेपर लीक का मामला आया, क्या एग्जाम रद्द होगा, उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है, हर चीज किया जा रहा है सर, प्रोटेस्ट होगा ऑनलाइन, तो ऐसा कुछ नहीं है। विभाग की तरफ से आया है, विभाग ने जांच का आदेश दे दिया है, उस पर जांच चल रही है। क्या कुछ अपडेट निकल के आएगी हम फिर से आपको नए वीडियो बना के उसमें अपडेट कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, अभी आप लोग कह रहे थे नॉर्मलाइजेशन, तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होगा। कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, तो जिस समय विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया था उसी समय स्पष्ट रूप से बोल दिया था, जो कि नोटिफिकेशन भी हम आपको डाउनलोड करके बता रहे हैं, इसको आप देख लिए, इसमें ध्यान से पढ़िएगा, सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए ऊपर में लिखा हुआ है। राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय के अधीन विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पदों यथा स्पेशल सर्वे असिस्टेंट, देख लीजिए ऑफिसर के लिए दिया हुआ है 4 पोस्ट है, कानूनगो है, उसके बाद देख लीजिए अमीन है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्लर्क है, सबको दिया हुआ है। देख लीजिए विज्ञापन भी दिया हुआ है, जो 4 सेंटर पर परीक्षा जो रद्द हो गया था उसको रीशेड्यूल फिर से जारी किया था 27 से लेकर 30 अगस्त तक, जो कि यहाँ पर लिखा भी है, देख लीजिए। चलिए आगे हम आपको बता रहे हैं, आगे देख लीजिए, देख लीजिए आगे हैं, सबसे नीचे हम चलते हैं, जिस समय नोटिफिकेशन विभाग जारी किया था नोटिफिकेशन हम डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं, एक बार देख लीजिए नोटिफिकेशन को, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। सबसे नीचे आपको चलना है, यहाँ पर देख लीजिए जिस समय नोटिफिकेशन जारी किया गया था, चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था इसमें, जब आपका एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, और कैसे होगा नॉर्मलाइजेशन देख लीजिए, इसको एक बार पढ़िए अच्छा से। एक बार इसको देख लीजिए, यहाँ पर ऊपर ना है, इसको अच्छा से पढ़िएगा तो सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। दूसरा भी हम आपको बता देते हैं, दूसरा भी दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ही तो अभी दे दिया, यहाँ पर दिया हुआ है, इस नोटिस को एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार पढ़िएगा। स्पष्ट रूप में है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। दूसरी बात है, सभी स्टूडेंट कल एक वीडियो बनाए थे, वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट द्वारा देखिए कमेंट किया गया था, इतना कम कट ऑफ जाएगा सबको रिजल्ट हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए कलर का क्या होगा, उसके बाद आंसर देखिए यहाँ पर आंसर की एंड रिजल्ट कब तक आएगा, देख लीजिए बहुत सारा कमेंट था, और कमेंट देखिए हाइड है, इतना कमेंट आया था, इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। इसमें आप लोग बोल रहे थे कलर का और कानून को के लिए आप जो है बहुत कम, जो 50 से 55 आप बताएं, तो दोस्तों यह आपका हमेशा याद रखिएगा, यह आपका फाइनल कटअप नहीं है, या सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है बुलाया जाएगा उसके लिए कटअप हम आपको बताएं, या फाइनल कटअप नहीं बताएं, याद रखिएगा, इसलिए इतना ही कटअप जाएगा, क्योंकि विभाग ने इससे पहले 2021 में जो एग्ज़ाम लिया था उसका आप कटअप एक बार मिला लीजिए, आपको पता चल जाएगा, यह फाइनल कटअप नहीं है जब आपको ज्वाइनिंग हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है, यह आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए
सिर्फ आप एग्जाम पास किए हैं इसके लिए आपको बुलाया जाएगा, यही कटअप है और इतना ही कटअप रहने वाला है, इससे ज़्यादा कटअप नहीं जाएगा, एक ही बार कटअप जारी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन एग्जाम हुआ, नॉर्मलाइजेशन भी होगा, लास्ट में आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, हर चीज़ होगा, उस समय कटअप रहेगा 70-75 जाएगा, उसके रेंज में जाएगा। और अभी जो हम आपको बताए वो क्लर्क हो, कानून को है, SHO हो, लिपिक हो, तो वह 50 से 55 नंबर, अगर आपको 50 से 55 प्रश्न सही हो रहा है, क्योंकि आपको ही पता है एक प्रश्न 4 नंबर का होता है, इसमें एक प्रश्न अगर आपका सही है तो 4 नंबर विभाग देगा, तो 50 से 55 अगर प्रश्न आप सही बनाए, सही से बनाए, तो आपका रिजल्ट 100% होगा, आपको परेशान नहीं होना है। और यह 100% आपको रिजल्ट बनेगा तो फाइनल आपको मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, याद रखिएगा। या सिर्फ आपको इसलिए जो आप एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं और आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, इसके लिए यह कटअप आएगा, उसके बाद फाइनल आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद फाइनल आपको मेरिट लिस्ट बनेगा, इसलिए हमेशा याद रखिएगा। तो जो भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर इतना कटअप जाएगा तो सबका रिजल्ट हो जाएगा, इतना कटअप जाएगा तो सबका रिजल्ट कैसे हो जाएगा, सभी स्टूडेंट जो है इतना प्रश्न भी अटेम्प्ट करके नहीं आए और सही नहीं करके आए, इसलिए याद रखिएगा। 4 अगर प्रश्न गलत होता है तो 1 नंबर आपको कटवो करेगा, इसलिए 50 से 55 नंबर वह क्लर्क वाले हो, कानून को और लिपिक वाले हो, 50 से 55% अगर आपका सही हो रहा है तो आपका रिजल्ट बनेगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी हो जाइए, रेडी आपको डॉक्यूमेंट करके रखना। और अमीन वाले तो पहले हम आपको बता दिए, अमीन वाले के भी 65 से 70 जाने वाला है, सिर्फ आपको इसके लिए बता रहे हैं जो 65 से 70, क्योंकि इसमें 84 से कुछ पोस्ट भी है, तो आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यह नंबर बता रहे हैं, क्योंकि फाइनल आपको 75 से 80 के आसपास रहने वाला है सभी पोस्ट के लिए, फाइनल जिसमें आपको मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो में जितना भी आपका प्रश्न था सारे प्रश्न का आंसर दे चुके हैं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। और आप लोग जो लास्ट में पूछ रहे थे सर एग्जाम रद्द भी होगा, तो दोस्तों यह ग्रुप भी बनाया जा रहा है, प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि विभाग स्पष्ट रूप से बोल दिया है जो जाँच का आदेश विभाग दिया है वह आने के बाद ही विभाग इस पर निर्णय लेगा। तो और जो अगर मान लीजिए जांच में पकड़ाया जाता है तो सिर्फ 16 शिफ्ट जो है 16 तारीख के दोनों शिफ्ट का ही एग्जाम को रद्द करके फिर से लिया जाएगा। अगर जांच में पाया जाता है तो जो सही पेपर लीक हुआ है पूरा एग्जाम रद्द नहीं होगा, याद रखना पूरा एग्जाम आप चाहिएगा रद्द हो जाएगा नहीं होगा, इसीलिए सारी जानकारी बता दी है, आपको भ्रम में नहीं रहना है, नहीं भ्रमित होना है, अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। और दूसरी बात, आपका 15 सितंबर तक हर हाल में विभाग के द्वारा आंसर की जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि पिछला अगर देखते हैं पिछला अगर आप रिकॉर्ड देखिएगा तो 15 दिन में हर हाल में आपको कटअप आपको देखने को मिल जाएगा विभाग के द्वारा, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, सारी जानकारी बता चुके हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।